आज मैं आपको लेकर आता है जटनापुर ढाबा, जहाँ पर सुबह के 6 बजे मिलता है ब्रह्मपुशल नाश्ता, जिसमें आपको इडली वड़ा बुबनी पूरी समोसे के कॉम्बिनेशन के साथ एक प्लेट खाने को मिल जाएगी, जो कि सुबह सुबह बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे तैयार किया जाता है। और जो भी श्रद्धालु तो पूरी दर्शन जाने के लिए आता है, इनके यहाँ का नाश्ता ही जरूर ट्राई करता है। तो चलिए भैया से बात करते हैं और जानते हैं मैंने पूरी ना ब्रह्मपुशल नाश्ते की शौक कैसे जी। भैया नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोमनाथ पात्र है, 32 साल हो गए हैं। आंख में गिरेगा आपका। टमाटर डाल दिया है यहाँ पे, डाल जाएगी हल्दी तो दोनों मिला के 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, 1 घंटा लग जाएगा इनको रेडी करने। प्याज देखो तो यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है और हमारा ग्रेवी के लिए तैयार हो चुका है। आधा घंटा हो गया है और 10 मिनट में प्याज भी हो गया है, टमाटर की ग्रेवी उसको डाल दिया गया है, नमक डाला जा रहा है और हमारी आलू की सब्जी यहाँ पे रेडी की जाएगी। तो हमने ग्रेवी रेडी की थी उसमें एकदम देखो तो बॉइल्ड आलू में यहाँ पे डाल दिया है, तो सब्जी में देखो तो यहाँ पे गर्म पानी मिला दिया जाएगा ताकि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी आलू की सब्जी यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है, अच्छे से मसाले के साथ इसको मिक्स करके तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऊपर से हल्का सा गरम मसाला डाला जा रहा है। तो नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे डाली जा रही कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी डालते ही इसका स्वाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आलू की सब्जी यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है, अब इसको पतीले में अलग से यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। तो हल्की सी स्पाइसी रहती है जिसको लोग नाश्ते में यहाँ पे खाना पसंद करते हैं। तो ये पूरी का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट पॉइंट है और यहाँ पे आपको सिर्फ 30 रुपए में बढ़िया सा नाश्ता मिल जाएगा। इसको खाने के लिए यहाँ पे छोटे से लेके बड़े बड़े ऑफिसर भी लोग आते हैं यहाँ पे और इनका नाश्ता यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अभी क्या डालते हैं? ये बोला ना चावल का आटा, चावल का मारिया की प्याज टमाटर वाली ग्रेवी। उड़ीसा में क्या क्या लोग पसंद करते हैं यहाँ पे? इधर तो लोकल खाना जो बोलते हैं उपमा इडली बड़ा यही सब बनता है, ज्यादा मैदा का पूरी बनता है। जो बाहर से लोग आते हैं तो 10,000 के लोग आते हैं तो लुच्ची को ज्यादा पसंद करते हैं। तो पूरी बनाने के लिए जिसमें हमारा यहाँ पे डो रेडी हो चुका है, उसको हाथों से अच्छे से देखो तो भून दिया गया है और इससे हमारी तैयार की जाएगी गर्मा गर्म पूरी। तो पूरी तलने के लिए सबसे पहले जिसमें यहाँ पे फ्रेश ऑयल हमारा आ चुका है, उसको यहाँ पे कढ़ाई में डाला जा रहा है। तो हमारी पूरी बनने की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, देखो तो यहाँ पे हमारी पूरी लगाई जाएगी, छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो देखो तो हमारी पूरी को यहाँ पे अच्छे से बेल लिया गया है, एकदम छोटी पूरी यहाँ पे लगाई जा रही है, जो कि नाश्ते में लोग आलू की सब्जी के साथ घुगनी खा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो पूरियाँ बनाने के बाद इनको अच्छे से यहाँ पे ऑयल में डाला जाएगा। तो देख सकते हो एक एक करके ऑयल में यहाँ पे पूरी को डालना स्टार्ट कर दिया गया है और देख सकते हो कितनी सारी पूरी को यहाँ पे एक साथ रेडी किया जाएगा। तो पूरी को देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे ऑयल में डाल दिया गया है और सभी पूरी को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करके फिर ऑयल से निकाला जाएगा। भैया कितना टाइम लग जाता है पूरी रेडी होने में? 2-3 मिनट में रेडी हो जाता है ये। तो जैसे लोग ब्रह्मपुर में नाश्ता खाना पसंद करते हैं उसी स्टाइल में यहाँ पे तो गर्मा गर्म देख सकते हो हमारी यहाँ पे पूरी बनके रेडी हो चुकी है, अब इसको यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हो हमारे यहाँ पे प्याज आ चुका है, प्याज की अच्छे से कटिंग कर ली गई है। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जैसे नमक यहाँ पे डाल दिया गया है, ये आ गया जिंजर और ये आ गया कड़ी पत्ता। तो उड़ीसा के लोग यहाँ पे नाश्ते में वड़ा खाना भी बहुत पसंद करते हैं। चावल का आटा यहाँ पे अब डाला जा रहा है। तो चावल का आटा डालने के बाद अब सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा और एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम वड़ा को तैयार करेंगे। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे नाश्ते में वड़ा बनने की शुरुआत हो चुकी है, एक एक करके देख सकते हो बैटर को यहाँ पे ऑयल में डाला जा रहा है और एकदम बढ़िया तरीके से वड़ा को यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो रंगत देख सकते हो इसकी एकदम चेंज हो चुकी है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और अब इसको दूसरी साइड से अच्छे से आप पका लिया जाएगा। तो नमस्ते भाई, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुब्रत है। कहाँ से आए आप? हम यहाँ लोकल है। अच्छा, लोकल है यहाँ। तो कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब बहुत फेमस है, सुना है बहुत नाम, रेगुलर आता हूँ यहाँ पर। अभी तो सुबह हुआ है और 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आप यहाँ तो प्लेट 30 रुपया है और ये जो उपमा मिलता है, पूरी मिलता है, 2 पीस वड़ा रहता है, सब्जी भी रहता है, आलू की सब्जी, 2 टाइप्स की सब्जी रहती है। तो हमारे यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगी जा रही है, ये आगे उपमा, ये आगे साबुत इडली और ये आगे घुगनी, ये आगे आलू की सब्जी, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे वड़ा, ये आ गया भाई समोसा, ये आ गई निमकी और ये आ गई पूरी। तो फाइनली उड़ीसा की पूरी। हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है दुकान खुलाता है 4:30 बजे, बिजनेस स्टार्ट होता है 7 बजे, मैक्सिमम 11 तक खत्म हो जाता है। हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है? हफ्ते में एक दिन दुकान बंद होता है, सोमवार को। और दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। दुकान का नाम तो कुछ नहीं, खुद का दुकान है ना, एड्रेस का मोती शाही चौक। उड़ीसा में कहाँ पे लगाते हैं? उड़ीसा में पूरी जगह।